लॉकडाउन के बावजूद जयपुर में आम लोगों की बेवजह घरों से बाहर निकलने की जिद जारी है। पुलिस ने जगह जगह नाकेबंदी कर रखी है, लेकिन लोग मेडिकल यानी इमरजेंसी सेवाओं का फिजूल बहाना बनाकर बाहर घूम रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने भी आज सख्ती अपनाते हुए वाहन सीज करना और चालान काटना शुरू कर दिया। हमारे साथ हैं गांधीनगर थाना इंचार्ज अनिल जसोरिया, इनसे बात करते हैं कि किस तरह के हालात हैं और कैसे नाकेबंदी करके एक एक गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। क्या पूरी सुबह से प्रक्रिया रही है और कब से आप तैनात हैं और कितनी टीमें हैं आपके साथ? आज सुबह 6 बजे से हमारे यहाँ श्रीमान कमिश्नर साहब के आदेश से नाकेबंदी की हुई है। मुख्यतः यहाँ पर बिना किसी अनावश्यक कारणों से जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं और आदेशों का जो सरकार द्वारा प्रदत्त किए उनका पालन करवाना है। इसमें कुछ निश्चित सरकारी कर्मचारी, सरकारी मेडिकल आवश्यक विभाग जिनको अलाउ किया हुआ है, इनके अलावा आवश्यक तौर अनावश्यक तौर पर जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है। क्या नहीं लगता कि अभी भी लोग घरों से निकल रहे हैं, नहीं मान रहे, सरकार के आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं, लॉकडाउन का मतलब नहीं समझ रहे हैं, क्या ऐसा लग रहा है? हाँ, कल तक ऐसा लग रहा था, लेकिन आज इसमें काफ़ी सुधार है। शुरू के 1-2 घंटे में जरूर ऐसा लगा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस यहाँ पर सख्ती दिखा रही है और अब इक्का दुक्का लोग ही ऐसे हैं, पर वो भी नहीं आ रहे हैं। अब ऑलमोस्ट जो भी यहाँ बाहर आ रहे हैं उनकी कोई आने की कोई ना कोई पर्याप्त रीज़न है। आज हमने ये देखा कि यहाँ पर काफ़ी सीज करने की भी कार्रवाई की गई, वाहन की सीज करने की, क्या ये सख्ती और ज़्यादा कारगर रहेगी? हाँ बिल्कुल, सरकार की मंशा है कि अनावश्यक तौर पर सड़कों पर ना आए, अपने घरों पर रहें, लॉकडाउन का मतलब ही ये है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि अनावश्यक वजह से जो लोग सड़कों पर आ रहे हैं उनको रोका जाए, वो अपने घरों पर रहें और प्रशासन का सहयोग करें। तो ये हैं अनिल जसोरिया, गांधीनगर थाना इंचार्ज हैं। इनका कहना है कि अनावश्यक लोग घरों से नहीं निकलें और वरना पुलिस सख्ती जैसे कर रही है वो सख्ती का रुख अपनाए रहेगी और असुविधा का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।